केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले खाने पर टैक्स तो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। एक तरफ बीजेपी के सामने एक बार फिर सरकार बनाने की चुनौती है, तो कांग्रेस और आप खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पराठे पर 18% GST का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार व्यापारी विरोधी है। बीजेपी पर व्यंग करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के नवीनतम फैसले पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि पराठे सादे चपाती या रोटी से अलग होते हैं, और कहा कि अंग्रेजों ने भी खाद्य पदार्थों पर कर नहीं लगाया। फैसले में कहा गया कि पराठों पर 18% GST लगता है। सितंबर में ताजा फैसला तब आया जब एक खाद्य कंपनी ने पैकेज्ड पराठों पर 18% GST के खिलाफ अपील की। इसी तरह के फैसले संबंधित राज्य के अधिकारियों द्वारा पारित किए गए हैं, क्योंकि पराठे पर 18% GST एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है और इसके खिलाफ कई अपीलें की गई हैं। गुजरात बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी खाद्य पदार्थों पर कर नहीं लगाया। आज देश में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उच्च GST है। इसे कम किया जाना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए, ताकि लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा कि 8 प्रकार के पैकेज्ड पराठे का उत्पादन होता है, जिनमें से मुख्य सामग्री पराठे की विविधता के आधार पर गेहूं का आटा और मूली, आलू जैसी सब्जियां हैं। अपीलकर्ता ने कहा कि पिज्जा, ब्रेड, रस्क और टोस्टेड ब्रेड 5% GST के तहत है और रेडीमेड पराठे 18% के दायरे में है। पिज्जा ब्रेड भी खाने के लिए तैयार नहीं है और पकाने की आवश्यकता है। फैसले में कहा गया है कि पैकेज्ड पराठों पर पैकेज्ड चपाती के समान GST नहीं लग सकता, क्योंकि चपाती खाने के लिए तैयार है और उनकी सामग्री भी अलग है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप के बीच आमना सामना हुआ है। गुरुवार को आप भाजपा प्रमुख गोपाल इटालिया को उनकी अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी के बीच दिल्ली में कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।